मतलब यार ये सारी चीजें जो कि मुझे दिखी कि यार मुझे आईआईटी में नहीं मिल सकती, यही मेजर रीजन था कि इसलिए मैंने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल EXPM। आई होप कि सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो यार देखो, ये वाली वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, छोटी सी तुम्हें स्टोरी समझाने वाला हूँ कि यार मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ और मैंने ऐसा क्यों करा। तो टाइटल सबने देख लिया होगा, तो थोड़ी सी तुम्हें बैक थोड़ी स्टोरी समझा देता हूँ पहले। तो हुआ क्या था ना कि यार देखो, मेरा भी जी एडवांस क्लियर हो गया था, तुमने एक वीडियो देख ली होगी, अगर वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो वाली वीडियो जाकर देखो। उसमें मैंने तुम्हें बताया कि यार चॉइस फिलिंग में कैसे मैंने मिस्टेक करी, जैसे कि तुम उन मिस्टेक से बच सकते हो, कि ऐसी क्या क्या गलतियां थी जिससे कि तुम जी एडवांस क्लियर करने के बाद भी एक IIT में नहीं जा पाओगे। तो तुम्हें अगर थोड़ी सी स्टोरी समझाऊं तो हुआ क्या था ना कि मेरा भी जे एडवांस क्लियर हुआ था, उसके बाद मैंने जोसा की अप्लाई किया था काउंसलिंग में, उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में IIT दिल्ली मिला था, IIT दिल्ली। उसके बाद मेरी यार सीट चेंज हो गई लास्ट राउंड में। अब उसके जो आगे की स्टोरी है वो मैं तुम्हें समझाता हूं कि यार मुझे लास्ट राउंड में ऐसा मेरे साथ क्या हुआ एंड मैंने IIT क्यों नहीं लिया। तो आगे बढ़ने से पहले यार एक बहुत बड़े गिव अवे के बारे में बता दूं जो कि तुम सभी जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो मेरे जो स्पॉन्सर है प्रेप लैडर यार, वो अपने यूट्यूब चैनल पे उनके डेली लाइव सेशंस चलते हैं। तो अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके जो लाइव सेशन है यार वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर यार तुम लाइव सेशन अटेंड करो और उसके साथ साथ अगर तुम्हें कुछ प्राइजेस मिले तो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो बस ऐसी एक गिव अवे लेके आए हैं प्रेप लैडर और टीम EXPM तुम सभी के लिए। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें प्रेप लैडर के जो लाइव सेशन है वो अटेंड करने हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना है और उनके ऐप पे तुम्हें विजिट करना है। अब तुमने एक लाइव सेशन देखा तो उसके अगले दिन मैं तुमसे अपने टेलीग्राम चैनल एंड इसी वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस क्वेश्चन का सही आंसर देना है और कमेंट में लिखना है आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, बस इतना लिखना है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। तो उससे होगा क्या ना कि यार मैं काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका सही आंसर होगा उनमें से एक या दो स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा और प्रेप लैडर की टीम उन्हें देगी 6+3 मतलब टोटल 9 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रेप लैडर का। अब यार देखो, प्रेप लैडर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ऐप है और उसके अंदर तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तुम्हें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे। मतलब ये सारी चीजें तुम पैसे देके खरीदते हो जो कि हम फ्री में तुम्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स देना है, पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और जो प्रेप लैडर का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है क्योंकि उनके जो लाइव सेशन है वो 9 दिसंबर तक डेली चलते रहते हैं। ठीक है, तो जाकर देख लेना उनका चैनल, बहुत बेहतरीन लाइव सेशंस हो रहे हैं। और प्रेप लैडर की टीम को मैं अपनी तरफ से थैंक यू देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा गिव अवे लेके आए हैं वो। तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना है और प्रेप लैडर के चैनल को जाकर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये होगी बातें। अब आगे जो यार वो हुआ क्या था कि देखो, मैंने तुम्हें बता दी बैक स्टोरी हुआ था। अब यार देखो, मेरा भी थोड़ा ऐसी स्टोरी था, जे एडवांस क्लियर हो गया था, एक डिसेंट रैंक आई थी, कोई अच्छी रैंक नहीं आई थी कि CSEC वाली ब्रांच में जाए, नहीं, IIT दिल्ली फर्स्ट राउंड में लोअर ब्रांच। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यार मैंने चॉइस फिलिंग गंदी बनाई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलू, मतलब ये गलती तुम तो मत ही करना। ठीक है, इस बार तो मैंने बहुत सारे जूनियर्स की गलती होने भी नहीं थी अपने ऐप के थ्रू। तो उसके बाद क्या हुआ था कि बस 7th राउंड आया, अचानक से जो लास्ट राउंड था 7th राउंड, उस टाइम पे 7 होते थे, तो 7th राउंड में मेरा कॉलेज चेंज हो जाता है। कौन सा कॉलेज आता है, IIT धनबाद कॉलेज आता है। उसमें भी कोई अच्छी ब्रांच नहीं आ जाती, टॉप की एक मीडियोकर सी ब्रांच आती है। तो अब मेरे पास दो चॉइस थी यार, मतलब मेरे पास उस टाइम पे तो एक ही चॉइस थी कि IIT धनबाद। मैं कह रहा कि नहीं नहीं जाना, मेरा तो यार बिल्कुल मन नहीं था। अब क्या मन नहीं था वो मैं तुम्हें रीजन समझाता हूँ, पर मेरे पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं थी उस टाइम पे। दूसरा एक ऑप्शन जो मुझे थोड़ा ढूंढने पे मिला यार, एक कॉलेज होता है NSUT DT, उनकी काउंसलिंग अलग से होती है। मुझे आइडिया तो था पर मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि यार चलो यार उसमें अप्लाई कर देते हैं स्पॉट राउंड में। मैंने अप्लाई कर दिया और फिर स्पॉट राउंड में NSUT मिल गया अपन को अच्छी ब्रांच के साथ। तो मैंने कहा कि यार अब अपने पास दो ऑप्शन है, IIT की सीट या फिर NSUT, दोनों कॉलेज अच्छे हैं। तो मैंने क्यों प्रेफर किया NSUT वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब डिस्क्लेमर दे दूं भाई, देखो ऐसा मत बोलना कमेंट में कि भैया ये हो गया वो हो गया। अब देखो यार ये मेरा खुद का ओपिनियन था और उसके मैं रीजंस भी दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन आते हैं, तो वो तुम्हारा खुद का, तुम्हारे पेरेंट्स का ओपिनियन जानकर ही ये डिसीजन लेना, क्योंकि कभी कभार डिसीजन गलत हो सकता है, कभी कभार डिसीजन अच्छा भी हो सकता है। तो रीजन नंबर 1 मेरे लिए ये था कि यार देखो, मेरे लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो भी मुझे जिंदगी में करना था आगे, जो कि मैं अभी भी काफी सारी चीजें कर रहा हूँ, यूट्यूब नहीं ये तो बहुत छोटी चीज है, इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स में वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों के लिए ना
एक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यार देखो, पता नहीं अभी तुम लोगों को शायद अभी नहीं लगेगी, पर जब तुम कॉलेज में आओगे तुम्हें पता चलेगा लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में से एक लोकेशन चाहिए थी कॉलेज की, ताकि मैं और अपना जो साइड वर्क है वो कर सकूं। इस वजह से मेरा जो सबसे पहला डिसीजन था वो NSUT दिल्ली इसलिए था क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक, IIT धनबाद की लोकेशन ना 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 ना। अब दूसरा रीजन क्या था ना कि यार देखो, ये मेरे घर वालों का डिसीजन था, क्योंकि दूसरा रीजन जो है वो घर वालों की तरफ से था कि वो जो है यार, अब हम राजस्थान के रहने वाले, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली स्टूडेंट नहीं हूँ पहले बता दूँ, ठीक है, क्यों उनका 85% रिजर्वेशन होता है, पर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो हमारे से और दिल्ली में थोड़ा डिस्टेंस भी कम था और पास भी था, और धनबाद बहुत ज्यादा दूर, मतलब अगर ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा दूर। तो यार लोकेशन स्पेसिफिक था और डिस्टेंस स्पेसिफिक, यार इतना भी दूर ना हो कि भाई कभी घर ही ना आ पाए वापस, तो वो भी था। तो ये था मेरा रीजन नंबर 2 कि मुझे IIT धनबाद नहीं जाना। अब रीजन नंबर 3 सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, आज मैं बताता हूँ। देखो यार, सीन क्या था ना कि जब तुम होते हो, जब कॉलेज को तुम्हें कुछ आइडिया होता नहीं, तो प्लेसमेंट स्टैट्स देखते हैं, और प्लेसमेंट स्टैट्स NSUT के आज के समय में भी तुम देख लोगे तुम मतलब शॉक हो जाओगे। IIT दिल्ली है और उसके बाद NSUT दिल्ली है, किसमें प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ भाई। IIT का लेवल बहुत बड़ा होता है, पर सिर्फ बात यहाँ पर प्लेसमेंट की कर रहा हूँ, और प्लेसमेंट स्टैट्स बहुत तगड़े, मतलब यार उतने तगड़े तो मैंने कभी देखे नहीं थे, कि एवरेज आ रहा है भाई 13 लाख 14 लाख का एवरेज, मतलब बहुत बड़ी बात थी। और IIT धनबाद का ऑब्वियसली उतना अच्छा पैकेज नहीं था। तो ये था मेरा रीजन नंबर 3। आप देखो, इसमें तुम बोलोगे कि भैया ये तो गलत है, IIT का नाम होता है ना, आप IIT का नाम तो बहुत जगह यूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम्हें हायर स्टडीज में जाना है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना, हायर स्टडीज करना है, MBA करना है, तो उसके लिए नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तुम IIT में जाओ। पर मुझे नाम से इतना कुछ नहीं करना था, मेरा जो नंबर 1 रीजन था वो था कि यार वहां पर उस जगह कौन सी है और उसमें मैं अलग अलग काम कैसे सीख सकता हूँ, और दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस। और रीजन नंबर 4 वो था कि यार देखो यार, आप अपना अपना डिसीजन आता है कि यार हमें कहाँ जाना है, हमें क्या क्या करना है, तो उसमें एक मेरा छोटा सा एक रीजन था कि यार दिल्ली में रहेंगे, देखो थोड़ा मतलब पढ़ाई से भटकना मत, पर मैं अपना बता रहा हूँ, दिल्ली में रहेंगे तो फेस्ट अटेंड करेंगे, कितने सारे कॉलेज हैं, और DU है, कितने सारे कॉलेज हैं, सबके फेस्ट अटेंड करेंगे और अलग अलग फेस्ट में जाएंगे, जो कि धनबाद में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मेरा 4th रीजन था भाई, देखो ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, था तो मेरा ये भी रीजन था, इसलिए मेरा था कि हाँ यार दिल्ली में रहेंगे, मजा आएगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था इस चीज के लिए, पर कोरोना ने सब खत्म कर दिया। अब मुझे क्या पता था कि यार कोरोना आएगा और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी, कोविड हो जाएगा, एंड देन सब चीजें बंद हो जाएंगी। दुख तो होता है, पर ठीक है, कोविड आया, उसके बाद चीजें अब देखो अब थोड़ी बहुत सेटल हुई हैं, तो होपफुली अब वापस से फेस्ट हो और सारे कॉलेजेस के फेस्ट में जाने का मौका मिले। तो ये थे मेरे 4 रीजन। अब तुम पूछोगे भैया अगर कोविड नहीं आता तो क्या आप IIT नहीं लेते, मैं कहता यार नहीं, तब भी मेरा ये डिसीजन रहता और मैं अपने डिसीजन के साथ खुश भी हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी तुम्हें डिसीजन लो, तो यार अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स, और मतलब वो घर वाले पेरेंट्स तो एक ही बात होगी, अपने फ्रेंड्स और अपने कुछ कुछ रिलेटिव्स जो कि IIT में पढ़ रहे हैं उनसे बिल्कुल बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ये था देखो मेरा डिसीजन, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, और चैनल को तुम सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें JEE की स्ट्रैटेजी चाहिए तो बहुत सारी मिलेंगी, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और शॉर्ट नोट्स वगैरह की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना गिव अवे के लिए, क्योंकि तुम्हें प्रेप लेटर का गिव अवे में पार्टिसिपेट बिल्कुल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड पढ़ते रहे।